धम्मपद चित्त वग्गो गाथा कथा नंबर 35। सबसे पहले इसकी कथा सुनिए, कहानी सुनिए कि ये गाथा यानी कि ये जो सूत्र हैं ये किस समय भगवान बुद्ध ने कहे थे। ये बड़ी मजेदार स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सावित्री में जैतवन में 60 के करीब जो भिक्खु थे यानी लोग थे उन्होंने पवज्जा ली और भिक्खु बन गए। पवज्जा लेने के बाद में उन्होंने वहां से प्रस्थान किया और एक माती का नाम गांव में पहाड़ों की तहलटी के नीचे जाके रहने लगे और वहां जाके ध्यान साधना विपस्सना मेडिटेशन करने लगे। माती का मतलब होता है जल प्रवाह, यानी जो पानी बहता रहता है, क्योंकि वहां पहाड़ के नीचे पानी बहता रहता होगा इसलिए उस गांव का नाम माती का पड़ा। और माती का एक जो अभिधम की नियमावली है उसको भी बोलते हैं, जिसको पाथीमुख बोलते हैं। यह भी धम्म में आती है। तो वो जो गांव था उस गांव में एक महिला थी, वो महिला उन 60 भिक्खुओं की देखभाल करती थी, इसलिए उसका नाम मतिका माता पड़ गया। गांव का नाम मतिका और माता उसको कहने लगे। मतिका माता बहुत ज्यादा उनकी सेवा करती थी और सेवा करते करते उसको धम्म में जाने की ललक और जानकारी लेने की हुई कि ये करते क्या है। उसने भिक्खुओं से निवेदन किया कि आप मुझे भी जो आप करते हो वो मुझे सिखा दो आप। तो भिक्खुओं ने, चूंकि उसकी सेवा बहुत अच्छी थी और वो जाना चाहती थी, मना कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको जो विपस्सना साधना और कैसे धम्म पैदा होता है, कैसे धम्म मरता है यानी व्यय उत्पन्न होता है, वो सार सिद्धांत उसको सिखाए, प्रैक्टिस करना सिखा दिया। चूंकि माता का मन बहुत साफ था, बहुत अच्छा था और सेवा बहुत करती थी, इसलिए बहुत जल्दी वो स्वतापन्न हुई, सकदागामी हुई और अनागामी हो गई, यानी कि उसने बहुत तेजी से तरक्की कर ली। और इतना ज्यादा विपस्सना साधना करने के बाद में उसकी कुछ जो शक्तियां थी वो आ गई, क्योंकि जब ज्यादा विपस्सना ध्यान करते हैं और मन ज्यादा शुद्ध होता है तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक ही जो उसकी नेचुरल पावर्स थी वो डेवलप हो जाती हैं और वो आ जाती हैं। कौन सी उसकी नेचुरल पावर डेवलप हुई? एनालिटिक करने की, विश्लेषण करने की, चीजों को देखने की, आसपास समझने की, चाहे मनुष्य हैं, चाहे जानवर हैं या मौसम है, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको वो देखते ही समझ जाती थी उनकी बॉडी लैंग्वेज से, चाल से, बात से, चीज से, और जो तरंगे वहां से आती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसको चक्षु ज्ञान मिल गए। चक्षु ज्ञान का मतलब है जो आंखों, जो देखने का ज्ञान होता है, दिव्य चक्षु बोलते हैं इनको, यानी कि देखने से ज्ञान प्राप्त होता है किसी की बॉडी लैंग्वेज से या जो आसपास, उसको बाद में इसको दिव्य ज्योति बोलते थे और इसको दिव्य चक्षु बोलते हैं। तो दिव्य चक्षु से मिल गई, उसकी आंखें खुल गई, वो सब समझ लेती थी देखते ही। इसके अलावा उसको रिद्धि इद्धि बल मिल गई। रिद्धि इद्धि बल वो बल होते हैं जो अलौकिक होते हैं, यानी शरीर से परे के होते हैं। शरीर से परे का मतलब है कि मन की शक्ति जो बल देती है उसको इद्धि रिद्धि बल बोलते हैं। सच्चाई की जो ताकत होती है वो सब उसके अंदर आ गई। तो भिक्खुओं को क्या आवश्यकता है और किस भिक्खु के मन में क्या चल रहा है वो सारा का सारा भांप लेती थी और समझ जाती थी कि इस भिक्खु की अवस्था क्या है। उसके कहने से पहले वो चीजें पूरी कर देती थी या उसके वाक्य कहने से पहले बता देती थी कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे। तो भिक्खु बहुत असमंजस में पड़ जाते थे। एक थे अयंतर भिक्खु। अयंतर का मतलब है अन्य, यानी दूसरे, यानी अपरिचित, अयंतर भिक्खु। तो जो अयंतर भिक्खु थे उन्होंने जो माती का गांव था वो छोड़ दिया और भगवान बुद्ध के पास आए और बोले कि मैं माती का गांव में साधना विपस्सना नहीं कर सकता। भगवान ने पूछा क्यों, क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि जो माती का माता है वो सब जान लेती है हमारे शरीर में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, और हम इतने पके हुए भिक्खु तो है नहीं, बहुत सारी बातें हमारे मन में ऐसी भी चलती हैं जो हम किसी से कहना नहीं चाहते और वो सब जान लेती हैं, तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है, फिर हमारा मन ध्यान में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, इसलिए मैं वहां साधना नहीं कर सकता। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा नंबर 35 वहां कही उस भिक्खु के लिए उस स्थिति में, क्योंकि भगवान ने जितनी भी बातें कही हैं वो कोई ना कोई परिस्थिति में, कोई ना कोई स्थिति में, कोई ना कोई सिचुएशन में, कहीं ना कहीं लोगों को समझाने के लिए कही हैं। अचानक से की हुई बातें बहुत कम हैं, जो जिनको उद्गार बोलते हैं, जो उदान बोलते हैं जिनको, जो अचानक निकलते हैं उनके मुंह से, बाकी परिस्थिति के वंश में कही गई बातें उनकी हैं। तो क्या है वो कथा? कथा इस प्रकार है
दुनिग्गहस्स लहुनो यत् कामनी पातिनो चित्तस्य दम्थो साधु चित्तं दंतं सुखावहं। इस जो गाथा है इसमें जो अगर कहीं किसी शब्द से पहले दू लग जाता है इसका मतलब दुष्कर या कठिन है। दू लगा हुआ है पहले शब्द में दुनिहग हस, इसको तीन भागों में तोड़ेंगे तो ये दू निहग और इस आएगा। दू माने दुष्कर है, कठिन है, निहग माने है पकड़ना या दबाना या कंट्रोल करना या सप्रेस करना या पनिशमेंट करना, और इसका मतलब है के लिए, यानी कि दुष्कर है, कठिन है, जिसको पकड़ना। अब ये चित्त की और मन की बात हो रही है कि ऐसे मन को जिसको पकड़ना है, कंट्रोल करना, दबाना दुष्कर है, मुश्किल है। लहुनो यत् कामनी पातिनो, लहुनो का मतलब है जो छोटा है, क्षुद्र है, मतलब बहुत छोटा है, चंचल है, दर्द जल्दी जल्दी भाग जाता है, हाथ में नहीं आता, मतलब इतना छोटा है जो हमारा मन है। जैसे अभी हम यहां एक थोड़ी देर बाद मन हमारा कहीं हो गया तो कितना छोटा है, कहीं का कहीं भाग जाता है। यत् कामनी पातो, यत् माने जहां, कामनी पातो काम के अंदर यानी काम वासना के अंदर, कामनी पातो का मतलब, पातो का मतलब है इधर उधर यानी तेजी से आता जाता है। क्या है, जहां हमारा मन काम वासना में तेजी से इधर उधर आता जाता रहता है, यानी कि ऐसे मन को कंट्रोल करना संभालना दुष्कर है जो इतना छोटा है और जो काम वासनाओं से भरा हुआ है, जो बहुत तेजी से इधर उधर आता जाता रहता है। चित्तस्य दम्थो साधु, यानी चित्त के लिए दम्थो, दम्थो का मतलब दमन किया हुआ, साधा हुआ, कंट्रोल किया हुआ। साधु माने सुखपूर्वक है। जब हम कहते ना साधु साधु साधु, इसका मतलब ये भी होता है सुखपूर्वक है, सुखपूर्वक है, सुखपूर्वक है, और इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, दो अर्थ होते हैं। तो यहां ये कहते हैं कि ऐसा चित्त जो दमन किया हुआ यानी जिसको साध लिया है, जिसको ट्रेंड कर लिया है, जिसको समझा लिया है, वो सुख कर होता है। चित्तंग दत्तंग सुखावहंग, चित्तंग यानी कि चित्त को, मन को, दत्तंग माने दंत जो होता है, जो दंत कथा आपने सुनी होंगी। दंत कथा क्या है, दंत कथा का मतलब है दमन करने की कथाएं, भगवान बुद्ध की कथाएं होती हैं, उनको दमन कथाएं बोलते हैं, इसको दंत भी बोलते हैं। दंत माने, तो दंत माने दांत भी होता है, मगर यहां दंत का मतलब है दमन करना, कंट्रोल करना, उसको सिखाना, यानी मन को, सिखाए हुए मन को, जो हमने सिखाया है उसको सुखावहंग, वो सुख कर होता है। ये इस गाथा का मतलब है। इसको अगर सरल भाषा में बोलेंगे तो इस प्रकार है, ऐसे चित्त का संयत करना अच्छा है जिसको संयत करना कठिन है, जो कामना से भरा शीघ्र इधर उधर चला जाता है, संयत किया गया चित्त मन सुख देने वाला होता है। ये इस गाथा का मतलब है। इसमें जो दंत शब्द आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि दंत का मतलब होता है दमन। आपने दंत कथाएं बहुत सारी सुनी होंगी, जितनी भी दंत कथाएं दुनिया में दंत के नाम से आती हैं वो दमन करने वाली हैं, जो बुराइयों का दमन करने वाली हैं या मन को दमन करके कंट्रोल में लेके आने वाली हैं। बुद्ध की सारी कथाओं को, सारी गाथाओं को दंत कथाओं के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। चाहे भले ही कोई भी आदमी उन दंत कथाओं पे अपना अधिकार जमाए या अपना नाम लिखे, मगर दंत का मतलब दमन होता है। दमन इसका मतलब है जो हमारी पापकारी चीजें हैं, जो हमारा पाप है, जो हमारा मन है जो कंट्रोल में नहीं है, उसको दमन करके कंट्रोल में लेकर आना। दमन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी को खत्म करना, दमन का मतलब है कंट्रोल में करना, साधना, ट्रेन करना, इसको दमन बोलते हैं। उन कथाओं को दमन कथा या दंत कथा बोलते हैं। धन्यवाद।